शहर में जनता की समस्याएं सुनने और अधिकारियों को जगाने के लिए अब एक नया गैर राजनीतिक मंच तैयार हो गया है। होटल ताज पल्स में आगरा विकास जन जागरण मंच की स्थापना की गई है। अब ये मंच आगरा की जनता की समस्याओं के साथ साथ शहर की भी समस्याएं उठाएगा। संस्था में अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा, कोषा अध्यक्ष प्रदीप जैन और मोहित बंसल को सचिव पद की जिम्मेदारी मिली है। इस दौरान कांग्रेस पूर्व प्रदेश सचिव विनोद बंसल भी मौजूद रहे। होटल द ताज पल्स में शहर के अंदर एक नया मंच जनता की समस्याओं को सुनने और उनकी आवाज़ को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया। 10 अगस्त 2024 को आगरा विकास जन जागरण मंच की स्थापना की गई। ये मंच गैर राजनीतिक संगठन है जिसमें हर वर्ग से लोगों को शामिल किया जा रहा है। ये आगरा जन जागरण मंच के नाम से ये गैर राजनीतिक संगठन बनाया है और इसमें समाज के विभिन्न विभागों से जो रिटायर्ड लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है और मुख्य रूप से जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसके बारे में अधिकारियों को अवगत कराएंगे और प्रयास करेंगे कि अधिकारी भी इस मंच पर आएं और अपना आश्वासन दें। संगठन में लगभग आज बहुत खुशी की भी बात इसलिए है क्योंकि आज लगभग फर्स्ट मीटिंग में 50 से 55 लोग हमारे बीच में आज हैं और मैं सभी मेंबर का तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि जब तक कोई भी संगठन को चलाने के लिए जब तक लोगों का साथ नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ में हासिल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मंच पर आसीन जिन लोगों को आप देख रहे हैं और जो लोग मंच के सामने बैठे हैं वह सभी इस नई संस्था के पदाधिकारी हैं। इस गैर राजनीतिक संगठन को बनाने का मकसद आगरा की समस्याओं को उठाना, जैसे हाईकोर्ट बेंच, बैराज, एयरपोर्ट, स्टेडियम, आईटी पार्क जैसे और तमाम मुद्दों को उठाना है। आगरा जन विकास जागरण का एक संगठन तैयार किया, स्थापित किया गया है और उसमें संगठन में ब्रजमोहन शर्मा अध्यक्ष जी हमारे, मोहित बंसल सचिव जी हैं और कोषा अध्यक्ष प्रदीप जैन जी हैं। तो ये आज ये लोगों की समस्या जो दिख रही है, लोग जो जनता वो दिख रही है, वो समस्या को समाधान करने के लिए एक संगठन तैयार किया गया है। उन संगठन में चाहे पानी से बैराज है, सड़कों से, यही समस्या लोगों की जो समस्या है संगठन में रखी जाएगी। महिलाएं तो अभी इस समय तो फिलहाल जा रही हैं बट और भी हैं और जुड़ना चाहेंगी तो हम और भी जोड़ेंगे उनको अपने साथ में। इस समय कम है बट जुड़ेंगी क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं तो और भी आएंगी। गैर राजनीतिक संगठन आगरा विकास जन जागरण मंच में अभी स्तर सदस्य हैं। इसमें तमाम सदस्य सरकारी विभागों से रिटायर्ड हैं जबकि और अन्य कई बिजनेसमैन भी हैं, कुछ टीचर भी हैं। अलग अलग संस्थाओं से और अलग अलग जगहों के लोग इस संगठन में सदस्यता ले रहे हैं। जब संस्था के अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा से पूछा गया कि इस उम्र में संस्था बनाने का मकसद क्या है तो इस पर उनका कहना था कि बचपन से लेकर अब तक देखते ही देखते 50 साल की उम्र से ज्यादा पहुंच गए हैं लेकिन अब बचे हुए समय में कुछ अच्छा काम कर लिया जाए। आगरा की समस्याओं के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे। आगरा की जो मुख्य समस्याएं हैं, बैराज की समस्या हो, एयरपोर्ट की समस्या हो, हाई कोर्ट की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो, उन समस्याओं के लिए हम लोगों के साथ अधिकारियों से मिलकर आगरा की समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करेंगे। इसमें मेरे साथ मेरे सचिव हैं श्री मोहित बंसल साहब, प्रदीप जैन कोषाध्यक्ष हैं और संरक्षक मंडल में 11 सदस्य हैं हम लोग और सभी पढ़े लिखे तबके के लोग हैं जिनके की संघर्ष से रिश्ता है, संघर्ष से नाता है और संघर्ष के लिए तैयार हैं। अभी जैसे आगरा को स्मार्ट सिटी घोषित किया जा चुका है लेकिन आगरा में स्मार्ट सिटी जैसा कुछ भी नहीं दिखता है, पूरा पैसा बर्बाद मतलब या बंदर बांट जो भी हुआ है। आप इतने सालों से देख रहे हैं आगरा में जो नालों का गंदा पानी है यमुना नदी में रोकने के लिए मेरे ख्याल 100 करोड़ या 200 करोड़ की जो योजना बनी वो अभी तक गंगा यमुना में गंदे पानी नालों को रोकने के में असफल रही हैं क्योंकि उन पर काम ईमानदारी से नहीं हुआ है। तमाम तरीके की वो समस्या हैं जिनका कोई हल नहीं निकल रहा। नए गैर राजनीतिक संगठन में सभी सदस्यों में जोश देखा गया, सभी के अंदर काम करने की मंशा दिखाई दी। सदस्यों का कहना है कि अगर अधिकारी बात नहीं सुनते हैं तो कोर्ट का भी सहारा लिया जा सकता है। संस्था में संस्था का अध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा, कोषाध्यक्ष प्रदीप जैन और सचिव मोहित बंसल एडवोकेट को बनाया गया है। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।